भाई हमने आज एक एप्लीकेशन लगाई थी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की ताहिर हुसैन की तरफ से, क्योंकि ताहिर हुसैन को मालूम पड़ा कि दो मुकदमे और भी दर्ज हो गए हैं उनकी साइड। जैसे साहब ने एप्लीकेशन सुनी, स्टेट को नोटिस करा, पीपी साहब ने अपनी सबमिशन दी, पीपी साहब ने कहा वो एप्लीकेशन हमारी 2 बजे के लिए रखी गई, 12:30 बजे हमने फाइल करी थी, 2 बजे जज साहब ने हमको भी सुना और पीपी साहब को सुना जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और एसआईटी की पूरी टीम वहाँ मौजूद थी। पीपी साहब ने कहा कि हमको ऑब्जेक्शन नहीं, अगर ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं तो हमको इसको ज्वाइन करने देंगे, हम इसको एप्लीकेशन को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही अपोज कर रहे हैं। जज साहब ने हमारी भी सबमिशन सुनी है, पीपी साहब की भी सुनी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने कहा कि हम इनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाना चाहते हैं। जज साहब ने एक इशू उठाया था कि जो एप्लीकेशन लगाई है जुडिक्शन का इशू है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लें, लेकिन ये एप्लीकेशन हमारी उसको मेंटेनेबल है या नहीं है उसको जुडिक्शन के ऊपर, जज साहब ने उसको नहीं माना। लेकिन फिर बाहर कोर्ट के हमने उनको ताहिर हुसैन ने सरेंडर किया और उनको बताया, उनको वो चाहते थे कि देखिए मैं झूठा फंसाया गया हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मैं सच को सामने लाने के लिए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं सवाल जवाब जो भी होंगे मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ।